जनरल फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसमें क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पहले हम जान लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जो जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो हमेशा छिपा रहता है, मतलब जो इसका सब्जेक्ट कौन होता है यू, जो हमेशा अंडरस्टूड मतलब छिपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है, यू हमारा सब्जेक्ट होता है और यह हमेशा अंडरस्टूड रहता है। तो जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसको देखते हैं। पहले बात तो डायरेक्ट में दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ड, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ड सिंगल कॉमा में होता है, रिपोर्टेड स्पीच डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ड को बदलते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ड में हमारा सेट लिखा होता है, तो सेट को हम कैसे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड के सेट को हम बदलते हैं वाक्य के भाव के अनुसार। वाक्य कैसा होता है हमारा, उस पर मान लो जिस तरह का हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है, उस वाक्य के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच के सेट को ऑर्डर में, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में बदलते हैं। अब रिक्वेस्ट ऑर्डर तो लिखेंगे नहीं, ना एडवाइस लिखेंगे, ना रिक्वेस्टेड लिखेंगे, हमारा ये पास्ट में होता है, सेट किस में होता है पास्ट में। तो ऑर्डर का ऑर्डर्ड कर देंगे, एडवाइस का एडवाइस कर देंगे, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड कर देंगे। अब ध्यान देंगे हम, मान लो रिपोर्टेड स्पीच हमारा जिस प्रकार है उसके भाव के अनुसार हम क्या करेंगे, रिपोर्ट सेट को हम बदलेंगे, ऑर्डर को कर देंगे ऑर्डर्ड में, और एडवाइस को एडवाइस्ड में बदल देंगे, और रिक्वेस्ट को हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड। वो कब, रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार। दूसरी चीज, कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा जो ये लगे होते हैं इनको हटाते हम कनेक्टिंग वर्ड हमारा जो आएगा वो होगा टू, और टू हमेशा किससे पहले लगता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमको टू लगाना है। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना है। दूसरी चीज, अब इसमें हमको सिर्फ दो तरह के वाक्य मिलते हैं, पहला हमारा मिलेगा पॉजिटिव में होगा, दूसरा मिलेगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो अगर पॉजिटिव में है तो उसकी शुरुआत होगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अगर निगेटिव में है तो शुरुआत होती है डू नॉट या डोंट, शॉर्ट फॉर्म उसका क्या होता है डोंट, या तो कभी कदार हमको मिलेगा क्या नेवर, इससे शुरुआत होगी। तो इससे हमें पहचानने में आराम रहेगा कि ये हमारा अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसकी शुरुआत किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अगर निगेटिव है तो शुरुआत होगी डू नॉट या डोंट या नेवर से। अब तो ये हो गई इसकी पहचान, कैसे क्या करना है उस पर ध्यान देना है। सेड को हमको वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज और रिक्वेस्टेड में बदल देना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू लगा देना है, और इसकी शुरुआत किससे होगी, अगर पॉजिटिव में है इंपरेटिव सेंटेंस तो उसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, निगेटिव में तो डू नॉट डोंट या नेवर से होगी। अब हम देखेंगे सेंटेंस को बदलना, अब हम देखेंगे जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन एंड डू योर वर्क, द टीचर सेड टू द बॉय, ये हमारा क्या है रिपोर्टिंग वर्ड और ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि ये टीचर है, टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन एंड डू योर वर्क, रिपोर्टिंग वर्ड हमारा क्या है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ड का सब्जेक्ट है वो कौन है टीचर, और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ड का ऑब्जेक्ट है वो क्या है छात्र या लड़के। तो इसमें टीचर जो है लड़कों को क्या करता है, ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर देता है ना। तो इसमें हम इस सेट को किसमें बदलेंगे, इसके सेट को हमको बदलना है किसमें ऑर्डर्ड। तो हमने क्या लिखा, द टीचर लिख दिया, द टीचर सेट को किसमें बदल दिया ऑर्डर्ड, किसमें बदल दिया ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज लिख लिया। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या बताया था लगेगा टू, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, तो इसको वैसे का वैसा लिखेंगे सिट डाउन लिख दिया। उसके बाद एंड, फिर टू का टू रहेगा, योर लिखा है, योर हमारा सेकंड पर्सन होता है,
यह किस केस में है? पॉजेसिव केस में। तो यू जब हमारा पॉजेसिव केस में है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय, बॉयज बहुत सारे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम हिज का प्रयोग ना करके हम यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन में क्या लगता है दे, और दे का पॉजेसिव होता है देयर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देयर, और ध्यान देंगे इस पर एक बार फिर। जैसे बोला गया था टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन एंड डू योर वर्क, तो इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे द टीचर सेट को बदल दिया ऑर्डर्ड में द बॉय, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। फिर बेटा कॉमन वेटेड कॉमा हटाया, क्या लगाया टू, फिर क्या लिखेंगे सिट डाउन एंड डू देयर वर्क, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन एंड डू देयर वर्क। ये एकदम हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं जैसे ऑर्डर कौन देता है उसी के बारे में, उसी को ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। जैसे बोला गया था मास्टर said to his servant, the master said to his servant, the master said to his servant, single or double inverted comma बोला गया drink one glass of water, one glass of water। क्या कहा गया कि मालिक ने नौकर से कहा कि एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ पर मालिक क्या करेगा, नौकर से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा ऑर्डर देगा नौकर को। तो लिखेंगे बेटा द मास्टर सेट को बदल दिया किसमें ऑर्डर, द मास्टर ऑर्डर, फिर क्या लिखेंगे किससे कहा अपने नौकर से हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट द मास्टर ऑर्डर हिज सर्वेंट। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे टू, अभी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमारा है ड्रिंक, तो इसको क्या करेंगे स्मॉल में ले आएंगे और लिखेंगे ड्रिंक। तो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग, फिर उसके बाद जो चीज जैसे लिखी है उसको वैसे उतारते चले जाएंगे ग्लास ऑफ वाटर। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, आगे देखेंगे आप। अब हम देखेंगे जैसे बोला गया द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट रेगुलरली, द डॉक्टर सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है द डॉक्टर सेड टू मी, फिर रिपोर्टेड स्पीच हमारा टेक रेस्ट रेगुलरली, कहा गया आराम करिए प्रतिदिन या रोज आराम करिए। तो बेटा इसको करना है अगर हमको तो कैसे करेंगे, द डॉक्टर सेड टू मी, तो डॉक्टर हमें क्या करता है ऑर्डर तो देता नहीं, डॉक्टर हमें सलाह देता है, तो इसके भाव के अनुसार हम क्या करेंगे इसको हम बदल देंगे, द डॉक्टर को हम क्या करेंगे द डॉक्टर सेड को बदल देंगे एडवाइस में, किसमें एडवाइस एडवाइस में बदल दिया, द डॉक्टर एडवाइस मी, कॉमन इनवर्टेड कॉमा हटा के टू लगाया, द डॉक्टर एडवाइस मी टू, फिर टेक रेस्ट को रेगुलरली लिखा है, टेक रेस्ट का क्या करेंगे टेक का टेक लिखा रहेगा हमारा, फिर रेस्ट का रेस्ट लिख देंगे वैसे का वैसे, फिर क्या लिखेंगे रेगुलरली हो गया। The doctor advised me to take rest regularly. ऐसा क्यों, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो हमें सलाह देता है, सलाह की भावना होती है, इसीलिए इसमें सेट को हमने किसमें बदला एडवाइस में, या इसे बोला जाए माई फ्रेंड सेट टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड सेट टू मी ट्राई अगेन, क्या कहा ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि दोबारा प्रयास करो, तो उसने मुझे एक सलाह दी, सलाह ही तो दी, ये दोस्त हमारे होते हैं तो क्या करते हैं दूसरे को आपस में क्या करते हैं सलाह ही तो देते हैं कि उसको ऑर्डर देते हैं, उससे हम सलाह करते हैं या तो उसको इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर तो देते नहीं हैं, तो क्या लिखेंगे माई फ्रेंड लिख दिया, फिर यहाँ पर सेट को हम क्या करेंगे एडवाइस में बदल देंगे, बदल दिया, फिर क्या लिखेंगे मी, माई फ्रेंड एडवाइज मी कॉमन वेटेड कॉमा हटाया टू लिखा, फिर ट्राई, फिर अगेन का क्या लिख दिया अगेन, माई फ्रेंड एडवाइज मी टू ट्राई अगेन। तो ये हमारा हो गया कि वाक्य के भाव के अनुसार जैसा हमारा सेंटेंस है उसका जैसा सेंस है उस सेंस के अनुसार हम सेड को बदलेंगे। अगर यहाँ पर डॉक्टर मिलता है, फ्रेंड मिलता है, पेरेंट्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं एडवाइस देते हैं,
तो अगर हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में डॉक्टर आता है, फ्रेंड आता है, कोई भी पेरेंट्स आता है, तो उसमें अगर सलाह दिखती है, सलाह का सेंस दिख रहा है, एडवाइस का सेंस दिख रहा है, तो उसके सेट को हमको किस में बदलना है, एडवाइज्ड में। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा देना है। टू लगाने के बाद क्या करना है, जैसे जो चीज़ लिखी हुई है लिख देंगे, बस प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आगे देखेंगे बेटा कि इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना। अगर किसी इंपरेटिव सेंटेंस में आगे सर लगा हो या मैडम लगा हो, प्लीज लिखा हो, काइंडली लिखा हो, जेंटलमैन लिखा हो, तो अगर इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं मिलेंगे, आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सेट को हमको बदलना होता है बेटा रिक्वेस्टेड में। उसके सेट को हम किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। उसके सेट को हमको बदलना है रिक्वेस्टेड में, ध्यान देंगे आगे देखेंगे। उसके सेट को हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड, जैसे बोला कि हम किसी से जब कोई चीज़ मांगते हैं या उससे किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, तो उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके सेट को हमको किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में, ध्यान देंगे। जैसे ही सेट प्लीज प्लीज गिव मी योर, क्या कहा गया, प्लीज गिव मी योर बुक, ही सेड टू मी, मान लो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी किताब दे दो। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेटा प्रार्थना कर रहे हैं, तो ही सेड को हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ही रिक्वेस्टेड, फिर मी लिखा, ही रिक्वेस्टेड मी, फिर इसमें प्लीज को हम क्या करेंगे, प्लीज को देंगे हटा। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के वर्ड्स आएंगे, तो उसके सेट को हम किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, और इन शब्दों को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमने ये क्या किया, प्लीज को दिया हमने इसमें से हटा, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, टू, फिर क्या लिखेंगे, गिव, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, मी लिखा, मी को जब सब्जेक्ट से बदलेंगे, मी पर, मी यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ही का भी यहाँ पर जो भी ये इसकी कंडीशन है, वही कंडीशन तो इसकी भी आएगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिम। जब इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम योर का, मी के हिसाब से ये सेकंड पर्सन है, पॉजेसिव केस में लिखा है, और ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो मी का पॉजेसिव क्या होता है, माई, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बुक। तो लिखा जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। आगे और देख लेते हैं बेटा, इसमें एग्जाम्पल हम, जैसे बोला गया द स्टूडेंट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने किससे कहा, टीचर से, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, सर सर गिव मी अ बुक, सर मुझे एक किताब दे दीजिए, उसने क्या कहा, सर मुझे एक किताब दे दीजिए, तो स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर से रिक्वेस्ट ही तो करेगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर पहले से ही सर लिखा हो, तो जब सर लिखा है, तो सर को हमको किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में। तो बेटा हम ये करेंगे, द स्टूडेंट क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट सर को हम बदल देंगे किस में, रिक्वेस्टेड में, क्या लिख दिया, रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड किससे कर रहा है, द टीचर, द सर्वेंट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाएंगे, सर को देंगे हटा, फिर लिखेंगे गिव, टू गिव मी को हम आप, सर मी हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो स्टूडेंट एक थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, हिम, फिर क्या लिखेंगे, अ बुक, तो क्या लिखा जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम अ बुक। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव में जो निगेटिव होता है, उसकी शुरुआत होती है डू नॉट, या तो डोंट से, या तो नेवर से। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, डू नॉट, डोंट या नेवर, आगे ही सेड, क्या बोला गया, ही सेड डू नॉट
क्या बोला गया, ही सेड डू नॉट गो देयर, ही सेड डू नॉट गो देयर, उसने कहा वहां मत जाओ। क्या कहा, वहां मत जाओ। डू नॉट का मतलब होता है मना करना, और इसके लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें हम फॉरबेड लगा सकते हैं, फॉरबेड का मतलब ही होता है मना किया, और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका हमारा क्या होगा कि इसमें हम फॉरबेड ना लगाएं तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, वाक्य के भाव के अनुसार एडवाइस लगा सकते हैं या ऑर्डर लगा सकते हैं, दोनों में से हम एक चीज़ लगा सकते हैं, सेट को बदल सकते हैं। और इस डू नॉट को हम किस में बदल देंगे, डू नॉट को हमको बदलना होगा नॉट टू में, लेकिन जब और बैड में बदलेंगे तो उसके साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे, पूरा डू नॉट गायब कर देंगे और सिर्फ क्या लिखेंगे, टू। तो दोनों तरीकों को हम देखेंगे और समझेंगे। पहला तरीका हमारा जैसे एडवाइज है, ही सेड डू नॉट गो देयर, उसने कहा वहाँ मत जाओ, तो ये एक सलाह दे रहा है, तो मान लेते हैं कि वह सलाह दे रहा है, तो हमने क्या लिखा, ही एडवाइज, क्या लिख दिया बेटा, ही एडवाइज लिख दिया। फिर कॉमेंटेड कॉमा हटाएंगे तो टू अभी लगा नहीं सकते, क्योंकि टू का जो हमको प्रयोग करना है वो किससे पहले करना है, वर्ब से पहले करना है। टू कहाँ पर लगेगा, हमेशा वर्ब से पहले लगेगा, और अगर हम नॉट टू हटा के टू लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इस नॉट टू नॉट को हमको किस में बदलना है, नॉट टू में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडवाइज इन नॉट टू, ही एडवाइज नॉट टू, फिर उसके बाद जो हमारा गो है गो देयर का गो देयर हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल हो गया कि एडवाइज नॉट टू गो देयर, या ऐसे भी एडवाइस की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, ऑर्डर वाक्य के भाव के अनुसार ये भी लिख सकते थे। लेकिन जो दूसरा तरीका फॉरबेड वाला, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ही फॉरबेड, क्या बोला गया, ही फॉरबेड का मतलब हुआ मना, ही फॉरबेड, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पूरा डू नॉट को क्या करेंगे, गायब कर देंगे, इसको देंगे हटा, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू फिर गो देयर, क्योंकि यहाँ पर इस ऐसा क्यों किया, क्योंकि फॉरबेड का खुद ही मतलब होता है कि मना कर दे, वहाँ से जाने से मना कर दिया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बोला गया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, डू नॉट अब्यूज हिम, डू नॉट अब्यूज हिम, उसने कहा उसे गाली मत, उसने मुझसे कहा कि उसे गाली मत, तो हम क्या लिखेंगे, ही फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना, ही फॉरबेड मी, इस डू नॉट को क्या करेंगे, पूरा पूरा हटा देंगे, फिर क्या लगाएंगे, टू, ही फॉरबेड मी टू अब्यूज, क्या लिखेंगे, अब्यूज, ही फॉरबेड मी टू अब्यूज हिम, ही फॉरबेड मी टू अब्यूज, उसने मुझे कहा कि उसे गाली मत दो, उसने मुझे वहाँ पर गाली देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फॉरबेड का मतलब क्या हुआ, मना कर देना, तो ही फॉरबेड मी टू अब्यूज हिम। तो इसको दो इस तरह से भी बेटा कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों में जो आपको आसान लगे आराम से आप उसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे किस पे, नेवर पे, नेवर क्या होता है, नेवर पे ध्यान देंगे, नेवर क्या है हमारा, अब हम देखेंगे नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अगर मान लो किसी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस किससे शुरू होता है, नेवर से, तो नेवर में क्या आता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो नेवर से पहले डू नॉट तो लगा नहीं होता है ना, डू लगता है नेवर के साथ। जैसे बोला गया बेटा, ही सेड, उसने कहा नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, उसने कहा कभी झूठ मत बोलो, ही सेड नेवर टेल अ लाई, तो क्या लिखेंगे, ही, फिर सेड को क्या करेंगे, इसको हम सेड को बदल सकते हैं किसमें, ऑर्डर में भी और एडवाइस में भी, लेकिन जोर दिया गया है तो मान लो ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, तो जब ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, ही ऑर्डर्ड, क्या लिखा, ही ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के नेवर का हम क्या रखेंगे, नेवर फिर टू टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, तो हमने क्या लिखा, नेवर टेल अ लाई, ही ऑर्डर्ड नेवर टू टेल अ लाई। इसमें हम फॉरबेड का प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें हम नेवर अगर आता है तो नेवर का प्रयोग हम इसी तरह से ऑर्डर्ड या एडवाइस में बदल कर नेवर के बाद टू लगा कर कर सकते हैं। जैसे और देख लेते, जैसे बोला गया ही सेड टू मी नेवर गो अलोन एनी एनी वे, उसने मुझसे कहा कि अकेले कभी बाहर मत जाओ, या अकेले कहीं पर मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, तो ही क्या किया, उसने सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी, नेवर को क्या करेंगे, नेवर कर दिया,
टू का टू लिखेंगे, नेवर टू, फिर गो का गो, अलोन का अलोन, फिर क्या लिखेंगे, एनी वेयर का वेयर। ये हो गया हमारा ही एडवाइज्ड मी नेवर टू गो अलोन। इस तरह से हम निगेटिव में नेवर वाले को करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो जिसमें जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करते हैं और उनका प्रयोग किस तरह से होता है उसको भी देखते हैं, कि देखने में वो इंट्रोगेटिव जैसे होते हैं लेकिन उनको हम इंपरेटिव सेंटेंस में करते सिंपल इसी तरह से हैं। और इसके बाद क्या आता है, लेट सेंटेंसेस जो आते हैं, जो लेट से शुरुआत होती है, लेट अस, लेट मी, लेट देम, उनका प्रयोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।